हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिडाइवल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी मैंने पिक्टोरियल डिफिक्शन का जो चल रहा है, पिक्टोरियल डिफिक्शन घटना चक्र वाला, उसका मैंने एंशियंट हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। नाउ द टाइम इज़ फॉर मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल इंडिया को कवर करने का टाइम आ गया है। एक ही वीडियो में हम इसे कवर करेंगे कंप्लीट को, कंप्लीट मिडाइवल इंडिया, और उसके बाद में लास्ट पार्ट आएगा इसका मॉडर्न इंडिया का। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बुक एज फार एज द प्रिपरेशन इज़ कंसर्न। शॉर्ट टाइम में अगर आप करना चाहते हो, शॉर्ट टाइम में अगर आप मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। ऐसे ही कॉन्टेंट मैं लाता रहता हूँ चैनल पर। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मुस्लिम इन्वेशन इन इंडिया। तो मुस्लिम इन्वेशन इन इंडिया में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो फाउंडर थे इस्लाम के, ही वॉज हज़रत मोहम्मद एंड ही फाउंडेड द इस्लाम रिलीजन इन 570 AD। मक्का में इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था, 570 AD में मक्का में ही इस्टेब्लिश इस्लाम। एंड ही डाइड एट इन द ईयर 632 AD। सो 570 में इस्टेब्लिश किया और 632 AD में इनकी मृत्यु हो गई। इंडिया वॉज नेम्ड हिंदुस्तान बाई, अब देखिए इंडिया को हम हिंदुस्तान नाम से भी जानते हैं, और ये नाम जो है ना ये ईरानियंस ने दिया था। ऐसी हिस्ट्री है कि इंडस के नाम पे, और इंडस के नाम पे हिंद रखा गया था, हिंद रखा गया था इंडस के नाम पे, और इसे हिंदुस्तान कहा गया। ठीक है, तो ये काम किया था ईरानियंस ने। द ग्रीक यूज टू कॉल इंडिया, इंडिया को ग्रीक ने इंडिया कहा। ठीक है, इंडिया को ग्रीक्स ने इंडिया कहा। तो ये सब सवाल कई बार पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड हिंदू ये अरब्स ने किया था। फर्स्ट जो वर्ड है हिंदू फर्स्ट टाइम यूज किया था अरब्स ने। तो देखिए तीन डाटा है यहाँ पे। सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था इंडिया को, ईरानियन ने। इंडिया को इंडिया किसने कहा, ग्रीक्स ने। और हिंदू का जो वर्ड है पहली बार यूज किसने किया था, तो अरब्स ने किया था। अब हम देखेंगे इधर फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेशन जो हुआ था इंडिया पे, ये किया था 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने फर्स्ट टाइम जो मुस्लिम इन्वेशन की नींव रखी थी इंडिया में, वो मोहम्मद बिन कासिम ही था। 712 AD में इसने इन्वेशन किया था। इन्वेडर हु कंकर्ड सिंध इन 712 AD, तो उसी वही है, सेम उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। रूलर ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेशन, तो सिंध का जो रूलर था जब अरब का इन्वेशन हुआ, मतलब 712 में, उसका नाम है दाहिर, उसका नाम है दाहिर। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है इस बॉक्स से। फिर आता है अलबरूनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि ये भारत आया था और किताब अल हिंद नाम की एक पुस्तक लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट वो बुक हो जाता है एज फार एज द हिस्ट्री इज कंसर्न, मिडाइवल हिस्ट्री। तो अलबरूनी से रिलेटेड पहला पॉइंट क्या आता है, तहकीक हिंद जो है, तहकीक हिंद या फिर इसे ही किताब अल हिंद भी बोलते हैं, इसने ये कंपोज किया था अरेबिक लैंग्वेज में, और इसका जन्म जो है 973 AD में हुआ था। ठीक है, और इसका जन्म जो हुआ था वो ख्वारिज्म में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ख्वारिज्म जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है, यहीं पे इसका जन्म हुआ था। और ये संस्कृत भी जानता था, क्योंकि ये जब भारत आया ना, तो इसने पंडितों से संपर्क किया भारत के, और संस्कृत सीखी इसने, क्योंकि ये भारत की हिस्ट्री लिखना चाहता था। और जब तक ये किताबों को, वेदों को नहीं पढ़ पाता, जिसको पढ़ने के लिए इसको संस्कृत जानना ज़रूरी था, ये समझ नहीं पाता, इसलिए इसने पंडितों से संस्कृत सीखी। और इसका अराइवल जो इंडिया में हुआ वो 11th century में हुआ, और ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के ये साथ आया था। ये फर्स्ट मुस्लिम है जिसने पुरानों को पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम है जिसने पुरानों को पढ़ा था, और पुरानों को पढ़ने के लिए संस्कृत सीखा था इसने। हिस्टोरियन एज वेल एज नोअर ऑफ एस्ट्रोनॉमी था ये, एक हिस्टोरियन तो था ही, साथ में एस्ट्रोनॉमी भी जानता था ये, ज्योग्राफी भी जानता था, लॉजिक भी लगाता था। इसकी बुक की खास बात ये थी कि हर मैटर को कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता था, ये क्वेश्चन से स्टार्ट करता था और उसको आंसर से कंप्लीट करता था।
फार्मेकोलॉजी भी ये जानता था, मैथमेटिक्स भी ये जानता था, रिलीजन पे भी ये स्टडी की थी और थियोलॉजी पे भी इसने स्टडी की थी। तो इतना सारा इससे खास बात है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप बंगाल और बिहार का हिस्ट्री जानना चाहते हो। बख्तियार खिलजी का नाम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप बंगाल और बिहार का हिस्ट्री जानना चाहते हो। तो कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ। बख्तियार खिलजी ही वो शख्स था जिसने बिहार को कनकर किया, जीता बिहार को। 1193 से लेकर 1202 तक इसका कैंपेन चलता रहा और इसने बिहार को तहस नहस कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उस समय, उनको तहस नहस किया, ठीक है। उनको भी, ये बौद्ध के बहुत इम्पोर्टेंट ये प्लेसेस थे, और यहाँ पे इसने बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन किया। ही कैप्चर द कैपिटल उदंतपुर, उदंतपुर को कैप्चर किया। इन्वेशन जो बंगाल में हुआ इसका, ये बंगाल का इन्वेशन 1198 से लेकर 1203 तक चला इसका। एंड एक और पॉइंट है इसमें, द देन रूलर लक्ष्मण सेन उस समय बंगाल का रूलर था, वो भाग गया। ही रैन अवे विदाउट फाइटिंग, लड़ना तो दूर वो भाग ही गया। एंड ही टुक रिफ्यूज इन ईस्ट बंगाल। और फाइनली जो बख्तियार खिलजी था, इब्न बख्तियार खिलजी, इसने लखनऊती को अपनी, लखनऊती मतलब बंगाल में ही पड़ता है, अपनी कैपिटल घोषित की इसने। तो ये भी पूछा जाता है कि किसको इसने कैपिटल घोषित किया था। इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है महमूद गजनी का, महमूद गजनवी का। इसका जो कोर्ट हिस्टोरियन था ये था उत्बी, द ऑथर ऑफ तारीख़ यामिनी एंड किताब अल यामिनी का राइटर भी था उत्बी। ये भी कभी पूछा जाता है उत्बी। इसका कोर्ट स्कॉलर कौन था, कोर्ट स्कॉलर था इसका अलबरूनी। एंड बैहाकी द ऑथर ऑफ तारीख सुबुत गीन उजारी भी था, पोएट ऑफ पर्सिया था। एंड तुसी एंड उनसूरी खुरासानी स्कॉलर्स थे ये दोनों। असजदी भी इसका कोर्ट स्कॉलर था और फरूखी भी। तो बहुत सारे इसके कोर्ट स्कॉलर थे, बट बहुत इम्पॉर्टेंट नाम इसमें अलबरूनी का आता है, इसके अलावा उत्बी का आता है। इंट्रोडक्शन के इसके बात करें थोड़ा सा, तो ही बिकेम रूलर ऑफ गजनी, गजनी या गजना भी बोलते हैं इसी के नाम पे, इसी जगह के नाम पे इसे गजनवी भी बोला गया। ये रूलर बना गजनी का 998 में। एक एजुकेटेड एंड पोलाइट पर्सन था ये, एजुकेटेड पढ़ा लिखा था, पोलाइट भी था, रिस्पेक्ट करता था स्कॉलर्स को, आर्टिस्ट को। एंड सिल्वर क्वाइन इसने जारी किए थे जिसमें संस्कृत में भी इंक्रिप्शन पाया गया है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। इन्वेशन कब किया इसने इंडिया में, ये लगातार कई बार करता रहा, 17 टाइम इसने अटैक किया इंडिया को। 999 से लेकर 1027 के बीच में इसने 17 बार टोटल भारत पे आक्रमण किया। और सोमनाथ मंदिर को तो कई बार लूटा इसने, 1026 में लूटा, ठीक है, 1026 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया बिल्कुल। वहाँ बहुत सारा खजाना था, गुजरात में पड़ता है ये जगह, और इसको लूट ही लिया इसने। 1019-20 में ही फर्स्ट अटैक ऑन चंदेला, चंदेल रूलर जो थे विद्याधर, उन पे अटैक किया था। एंड चंदेलों का ये जो है मोस्ट पावरफुल रूलर था, ठीक है, विद्याधर, इसको भी अटैक किया था गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने। तो गजनवी से रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट देखे। अब हम देखेंगे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो था, इसने पहला जो अटैक किया इसने भारत पे, मुल्तान में इसने किया 1175 में। उस समय मुल्तान वगैरह सब भारत का ही पार्ट था। फिर 1178 में इसने इन्वेशन किया गुजरात पे, और भीमा द्वितीय और मूल राज द्वितीय से इसने लड़ाई लड़ी, और एक बैटल हुआ माउंट आबू के पास जिसमें गोरी का पहला डिफीट हुआ इंडिया में, गोरी पहली बार हारा इंडिया में। ये सब तो ठीक बात है, लेकिन जो दो बैटल है, बैटल ऑफ तराइन, जिसको माना जाता है कि ये बैटल ऑफ तराइन के बाद ही मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ गई थी भारत में। तो मोहम्मद गोरी ने 1191 में पहली लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ तराइन। ये लड़ाई हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गोरी की हार हुई थी। और इस हार के बाद ये बैठा नहीं, जाके फिर तैयारी किया और 1192 में फिर अटैक किया, जिसे कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये भी गोरी और पृथ्वीराज सेम पार्टीज के बीच में ये लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। हालांकि इसमें डिसेप्टिव मेजर्स, छल का प्रयोग किया गया था, तो ठीक है, बट हार गए थे पृथ्वीराज चौहान।
पेव द वे फॉर मुस्लिम पावर इन इंडिया। यही हार जो है इसके बाद मुस्लिम पावर जो है इंडिया में इस्टेब्लिश हो गई थी। 1194 AD में एक वार इसने लड़ी थी, वार ऑफ चंदवार। इस ये लड़ाई गोरी और जयचंद के बीच में हुई थी, जिसमें जयचंद को भी इसने हरा दिया था। 1194 में वार ऑफ चंदवार हुआ था, जिसमें गोरी और जयचंद के बीच में लड़ाई हुई थी, जयचंद को भी इसने हरा दिया था। इसने क्वाइंस भी जारी किए गए थे, एक साइड में लक्ष्मी का फोटो बना हुआ था और दूसरी साइड में कलमा लिखा गया था अरेबिक में। तो बहुत ही अजीब सा शासक था, एक तरफ लक्ष्मी को दिखाया, दूसरी तरफ कलमा लिख दिया। तो ठीक है, अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फिरदौसी जो था, ये ऑथर था शाहनामा का, शाहनामा का ऑथर कौन था? फिरदौसी था। फरिश्ता, फरिश्ता जो था ये ऑथर था तारीख़े फरिश्ता का, फरिश्ता फरिश्ता से आप लगा सकते हो। अल्पत गिन जो था ये फाउंडर था गजनी या फिर यामिनी डायनेस्टी का, ये कई बार पूछ लेता है हु वॉज द फाउंडर ऑफ गजनी या फिर यामिनी डायनेस्टी, आंसर इज अल्पत गिन, अल्पत गिन। भीमदेव वन जो थे ही इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन कराया था, जब अटैक हो गया था ना, लूट पाट मच गई थी, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन कराया था सोमनाथ टेम्पल का, उनका नाम था भीमदेव वन। मोहम्मद गोरी गेव फर्स्ट एकता टू कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्चुअली देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? एक स्लेव था, एक स्लेव था। किसका स्लेव था? ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था, और इसी को बिठा दिया था मोहम्मद गोरी ने भारत में कि भाई चल तू संभाल ले इसको। और पहला जो एकता जो है ये दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। कुछ और देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, खुद ही एक स्लेव था, इसलिए स्लेव डायनेस्टी भी नाम पड़ा। और एक और इसको नाम से जाना जाता है मामलुक डायनेस्टी, इस डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी के भी नाम से जाना जाता है। इस डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड था वो 1206 से लेकर 1290 AD तक था, और इसके बाद मतलब सल्तनत पीरियड की नींव पड़ी थी। और उस समय जो राजा था वो सुल्तान कहलाता था, और दिल्ली का जो एरिया था वो दिल्ली सल्तनत कहलाया। ऑल सुल्तान तुर्क्स आर ऑफ डिफरेंट लीनियज, हर जितने भी तुर्क सुल्तान थे वो डिफरेंट लीनियज के थे। इंडिपेंडेंट पेरेंट्स इनके हुआ करते थे। मोर सुटेबल टू कॉल देम अर्ली तुर्क सुल्तान और दिल्ली मामलुक सुल्तान इंस्टीड ऑफ सेल स्लेव डायनेस्टी सुल्तान। तो इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं, आप ये जानिए कि स्लेव डायनेस्टी को ही मामलुक डायनेस्टी भी बोलते थे, मामलुक सुल्तान सुन के राजाओं को बोला जाता था। अब हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ऑब्वियसली इसी ने फाउंड ही किया था 1206 में, तो पहला रूलर तो होगा ही। ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया इसने, 1206 से लेकर 1210 AD के बीच में मात्र 4 साल के लिए शासन किया। ही वॉज एफिलिएटेड टू तुर्की ट्राइब, एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता, खुद भी एक ट्राइब था एंड स्लेव तो था ही। ही अवॉइडेड द टाइटल ऑफ सुल्तान फॉर लाइफ, ये सुल्तान नहीं लगाता था। ही रूल्ड विथ टाइटल ऑफ सिपाह सलार, सिपाह सलार के टाइटल से ये रूल किया। डेथ हो गया 1210 में। कैसे डेथ हुआ? तो ये पोलो खेल रहा था, जिसे चौघन भी बोलते हैं हिंदी में कह सकते हो। तो पोलो खेलते हुए इसके घोड़े से गिर के मौत हो गई थी। ठीक है, अर्ली लाइफ की बात करें तो ही वॉज परचेज्ड एज ए स्लेव बाई काजी अजीज कुकुफी। ही वॉज ऑल्सो परचेज बाई घोरी इन गजनी। ही प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ आमिर ए अखूर बाई घोरी। तो मोहम्मद गोरी ने इसको आमिर ए अखूर के पोस्ट पे प्रमोट किया था। काफ़ी ये शुरू से ही मेघावी था, स्लेव था लेकिन मेघावी था, और स्लेव उस समय बड़े हेल्पफुल हुआ करते थे। बोला जाता था कि एक अच्छा स्लेव जो है बेटे से भी बढ़ के होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या किया इसने? दिल्ली में कौवत अल इस्लाम, कुतुब मीनार, ये दोनों कुतुब मीनार की नींव रखी थी, हालांकि कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। कौवत अल इस्लाम इसने बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है कई बार, किसने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो ये गद्दी पे बैठा 1206 में, 3 मंथ हो गए थे गोरी के डेथ के बाद, उसके बाद ये गद्दी पे बैठ गया था। और इसने अपनी कैपिटल रखी थी लाहौर को। ही डिस्चार्ज लेटर्स, ठीक है, 1208 में इसने ही फ्रेड फ्रॉम स्लेवरी बाई गियासुद्दीन मुहम्मद द सक्सेसर ऑफ गोरी।
इसको स्लेव से मुक्ति दे दी गई थी बाद में गोरी का जो सक्सेसर था गियासुद्दीन महमूद के द्वारा, कि भाई ठीक है अब तू स्लेव नहीं है, अब तू आराम से शासन कर। इसका टाइटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ही वॉज कॉल्ड लाख बक्स बोला जाता था, एंड क्योंकि ये डोनेशन बहुत देता था, बहुत ज़्यादा डोनेशन देता था, ही गॉट द नेम फॉर डोनेटिंग मोर। एंड इसका एक और टाइटल था कुरान खान बोलते थे, कुरान रिसाइटेशन इन मेलोडियस वॉइस में इसने किया था, ठीक है। तो ये कुछ इसके टाइटल थे, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे उसके बाद बैठा गद्दी पे इल्तुतमिश, ये इसका दामाद था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। ये गद्दी पे बैठा और शासन किया 1211 से लेकर 1236 के बीच में। अर्ली लाइफ की बात करें, इंट्रोडक्शन की, तो इसने तुर्क बिलोंगिंग टू इलबारी ट्राइब, ये जो था एक तुर्की सी था और इलबारी ट्राइब से बिलोंग करता था। इसका दूसरा नाम स्लेव ऑफ स्लेव भी था, स्लेव ऑफ स्लेव के नाम से किसे जानते हैं, इल्तुतमिश को जानते हैं। कई बार पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा। स्लेव ऑफ स्लेव मतलब दासों का भी दास था ये इल्तुतमिश, और ये गवर्नर बना इक्तादार जिसे बोलते हैं बदाऊं का, बिफोर बिकमिंग सुल्तान। ही फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी बाई ऐबक ऑन द ऑर्डर्स ऑफ गोरी, तो मोहम्मद गोरी के ऑर्डर पे इसको स्लेवरी से हटा दिया गया और इसको दामाद भी बनाया उसने ऐबक ने। क्वाइंस इसने जारी किए, फर्स्ट प्योर अरेबिक क्वाइन इशूअर है ये, इस सल्तनत पीरियड का इंडिया में फर्स्ट प्योर अरेबिक क्वाइन इसी ने इशू किया था। इनिशिएटर ऑफ ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग मिंट नेम ऑन क्वाइंस, ठीक है। टंका सिल्वर क्वाइन था, जीतल जो था कॉपर क्वाइन था। ये पूछा जाता है कई बार कि सल्तनत पीरियड में टंका क्या था, टंका एक सिल्वर क्वाइन था और जीतल जो था एक कॉपर क्वाइन था। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, चंगेज़ खान जो था उसका अराइवल हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में इसी के समय में। ही रिफ्यूज हेल्प टू मंग बर्नी अगेंस्ट गेंगिस खान, ये इसने सही किया था एक्चुअली। इसने जो चंगेज़ खान था उसने अटैक किया था मंगबरनी पे, एंड मंगबरनी ने उस समय क्या किया कि इसे इल्तुतमिश के पास पहुंचा कि भैया मुझे हेल्प चाहिए, आपका हेल्प चाहिए। और इसको पता था इल्तुतमिश को, अगर मंगबरनी को हेल्प किया तो चंगेज़ खान मुझे छोड़ेगा नहीं, तो इसने रिफ्यूज़ कर दिया। और इस तरीके से इसने चंगेज़ खान का जो आक्रमण था उसको अवॉइड किया था अपने एरिया पे। कंस्ट्रक्शन किया था इसने कुतुब मीनार का, कंप्लीट करवाया था इसने। पूछा जाता है कि हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, आंसर इज इल्तुतमिश। अथॉरिटी फ्रॉम खलीफ, ही एक्सेप्टेंस ऑफ पोस्ट ऑफ सुल्तान, ठीक है, सुल्तान का पोस्ट इसने एक्सेप्ट किया। द टाइटल ऑफ सुल्तान ए आजम इसने लगाया, एंड खिलत सर्टिफिकेट इन 1229 AD, दिल्ली सल्तनत इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया इसने। इल्तुतमिश द लेजिटिमेट सुल्तान बना। तो ये सारा इल्तुतमिश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। अब हम देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान कुछ नहीं, इसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान अभी तक की हिस्ट्री में पहली फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर थी मिडाइवल इंडिया की, और भारत की गद्दी पे बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी, सी रूल्ड टिल मतलब 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन भी किया। इसका प्राइमरी फोकस था कंसंट्रेटिंग पावर ऑफ द स्टेट इन द हैंड ऑफ सुल्तान, ये चाहती थी कि सुल्तान के हाथ में सारा पावर आ जाए। तुर्कन ए चलघानी ग्रुप ऑफ 40 ऑफिसर जो थे उनके वजह से इसको हटा दिया गया, इनको पसंद नहीं था। तुर्कन ए चलघानी जो था चिहलघानी, ये 40 ऑफिसर का एक ग्रुप था, 40 ऑफिसर्स थे, ये बहुत ही मतलब इनका इन्फ्लुएंस होता था ओवरऑल जो भी शासन पर बैठता था, तो ये इनको पसंद नहीं था कि कोई महिला बैठे और शासन करे, तो इन्होंने इसको हटवा ही दिया, ओवरथ्रो करवा ही दिया। देखिए बलबन का थॉट देख लेते हैं, बलबन बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी कह सकते हैं। किंग ऑन अर्थ नियामत ए खुदाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, ये अपने आप को मानता था। तो ये पूछा जाता है कई बार कि मतलब बलबन जो था ये अपने आप को क्या मानता था, तो ये मानता था अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, नियामत खुदाई, किंग ऑन अर्थ भी ये अपने आप को मानता था। किंग जिले अल्लाह और जिले इलाही मतलब ऑफ गॉड इमेज, मतलब बोला कि मैं गॉड की प्रतिमा हूँ। किंग जिले अल्लाह और जिले इलाही मतलब मैं गॉड की प्रतिमा हूँ। ऑर्डर ऑफ किंग इन ऑनर आफ्टर द प्रोफेट,
फाउंडर था ये थ्योरी ऑफ किंगशिप, दैट इज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप का फाउंडेशन डाला था। एडवाइस किया था इसने बुगरा खान को, जो बुगरा खान था इसका सन था। द पोस्ट ऑफ सुल्तान इज लिविंग सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी, इसने बोला कि पोस्ट जो है ना सुल्तान का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिविंग सिंबल है ऑटोक्रेसी का, ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही का। अब हम देखेंगे बलबन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए तो अगर बलबन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ही बिकेम सुल्तान 1286 से लेकर, ये रहा 1286 से लेकर सॉरी 1266 से लेकर 1286 तक ये सुल्तान रहा। इसका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन एंड इसका दूसरा नाम था उलुग खान, उलुग खान के भी नाम से जाना जाता था। इसका रियल नेम था बहाउद्दीन, बहाउद्दीन इसका रियल नेम था एंड ही वॉज एफिलिएटेड विद द इलवारी तुर्क, ये एक इलवारी तुर्क से बिलोंग करता था। एंड इसकी अर्ली लाइफ की बात किया जाए, अर्ली लाइफ की, तो ये ही वॉज कैप्चर्ड बाई मंगोल्स इन चाइल्डहुड में ही मंगोलों ने इसको कैप्चर कर दिया था एंड ही वॉज बॉट बाई ख्वाजा जमालुद्दीन ऑफ बसरा इन गजनी, गजनी में इसको ख़रीदा गया था किसके द्वारा, ख्वाजा जमालुद्दीन ऑफ बसरा के द्वारा। एंड ही वॉज ब्रॉट टू दिल्ली इन 1232 AD, 1232 में आया था, काफ़ी बूढ़ा शासक हो गया था मरते मरते था। ही वॉज ऑल्सो बॉट बाई इल्तुतमिस इन 1233, जैसे दिल्ली में आया इल्तुतमिस ने इसको ख़रीद लिया एंड ये तब ख़रीदा गया था जब कॉन्केस्ट हुआ था और ग्वालियर का, उसके बाद इल्तुतमिस ने इसको ख़रीदा था, उसमें अच्छा रोल प्ले किया था इसने। थ्योरी ऑफ किंगशिप इसने दिया था, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इसी का था। सुल्तान ऑफिस को गॉड गिवन ऑफिस मानता था ये, सुल्तान मस्ट बी ऑटोक्रेटिक ये बोलता था कि सुल्तान मस्ट बी तानाशाह होना चाहिए। एंड रिचुअल ऑफ सिजदा एंड पाबोस, सिजदा एंड पाबोस क्या था, झुकना था और पैर को चूमना, ये सिजदा और पाबोस का जो रिचुअल था इसने इंट्रोड्यूस किया था। उस समय सभी लोग सुल्तान के कदम चूमते थे और उसके सामने झुकते थे। गवर्नमेंट वर्क कुछ किए इसने, जैसे कि द प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग नौरोज फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड, नौरोज फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था सेलिब्रेशन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवाने अर्ज, इसी का देन है दीवाने अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट था ये, एक दीवाने अर्ज जो था मिलिट्री डिपार्टमेंट टू कम्पीट विद द मंगोल्स। एंड मिनिस्टर इसका जो था इमादुल मुल्क था, ही वॉज फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ वजीर, दैट इज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और कुछ है इससे रिलेटेड फैक्ट, जैसे पोस्ट एंड मैरिटल रिलेशन इसका देखा जाए तो ही रिसीव द रैंक ऑफ खसदर फ्रॉम इल्तुतमिस, आमिर शिखर भी इसको बोला जाता है फ्रॉम रजिया के द्वारा, यह दिया गया आमिर शिखर ये नवाजा गया था रजिया सुल्तान के द्वारा। आमिर अखूर फ्रॉम बहराम शाह के द्वारा दिया गया था 1249 AD में। डॉटर्स मैरिज विद द सुल्तान नसीरुद्दीन, इसने अपनी डॉटर की शादी की थी सुल्तान नसीरुद्दीन के साथ। तो ये सब इसका जो है बलबन से रिलेटेड फैक्ट था। खिलजी डायनेस्टी फिर आती है, खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 में फाउंड की गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एंड 1290 में ही इसका कोरोनेशन हुआ था, मतलब गद्दी पे बैठा था एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी भी हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी गिवन द रैंक ऑफ आमिर तुजुक टू अलाउद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी ने आमिर तुजुक का जो रैंक था वो अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। अलाउद्दीन खिलजी इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। ही ऑल्सो मैरिड हर हिज डॉटर टू अलाउद्दीन, आपने मूवी देखी होगी पद्मावत तो आपको समझ में आया होगा। एंड हिज आइडियल वॉज लिबरल एब्सोल्यूटिज्म, बोला कि एब्सोल्यूटिज्म होना चाहिए, मतलब सुल्तान जो है सर्वोपरि होना चाहिए लेकिन लिबरल होना चाहिए सुल्तान को, ठीक है, तो आइडियल इसका यही था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे, फर्स्ट सुल्तान था जिसने रियलाइजेशन ऑफ रेंट बाई मेजरिंग लैंड शुरू किया। इसने बोला कि ऐसे हम लोग नहीं लेंगे, जो हम लोग रेंट लेते हैं लैंड का वो ऐसे नहीं लेंगे, हम लोग पहले मेजर करेंगे लैंड को और उसके हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से जितना बनेगा रेंट उतना हम लेंगे। तो ये पहला सुल्तान था ये नियम लागू करने वाला। फ्रॉम ट्रेडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर्स खुत्ता मुकदम एंड चौधरी, तीन जो है इसके ट्रेडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर्स थे जिनके द्वारा ये रियलाइज़ करवाता था रेंट को। स्नैच्ड अवे द राइट टू कलेक्ट रेंट, इनसे ये छीन लिया खुत्ता मुकदम और चौधरी से। ऑल प्रिविलेजेज इसने टर्मिनेट कर दिए इन लोगों के एंड ही स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम देयर लैंड टू। तो खुत्ता मुकदम और चौधरी जो पहले, मतलब अलाउद्दीन से पहले ट्रेडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे और वही जो है कलेक्ट करते थे, राइट था उनके पास
रेंट को कलेक्ट करने का, उनसे ये छीन लिया गया और उनके सारे प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और इनफैक्ट उनके लैंड से भी रेंट कलेक्ट किया जाने लगा। ही ऑल्सो स्नैच द लैंड फ्रॉम ऑल द पर्सन्स हु हैव गॉट लैंड एज मिल्कियत। मिल्कियत एक ऐसा लैंड था जो कि स्टेट प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी था, एंड रिवार्ड के तौर पे, ग्रांट के तौर पे या पेंशन के तौर पे दिया जाता था। उस पर जो जो ऐसे लैंड जो दिए गए थे मिल्कियत वाले, ये भी छीन लिया इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड वक्फ जो था वो चैरिटेबल लैंड हुआ करता था, वो भी इसने छीन लिया था। एज ए रिजल्ट इंक्रीज इन खलीसा लैंड, खालिसा लैंड जो है उसमें इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अचीवमेंट थे। मार्केट कंट्रोल की नीति भी अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। मार्केट कंट्रोल या फिर रेट कंट्रोल की थ्योरी ये लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी। मलिक कफूर के द्वारा ही किया जाता था। सहाना जो था सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट हुआ करता था। कंट्रोल ओवर ऑल मर्चेंट्स इसने शुरू किया। ये अपॉइंटेड स्किल्ड स्टाफ फॉर द सक्सेस ऑफ सिस्टम। तो मार्केट कंट्रोल या फिर रेट कंट्रोल की नीति यही लेके आया था। पहले क्या था, रेट कंट्रोल नहीं था, मार्केट कंट्रोल नहीं था। इसने पार्टिकुलर, मान लो चीनी है तो चीनी का इतना ही रेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये ऐसा कंट्रोल इसने लाया था। इसने घरी टैक्स लगाया जो कि हाउस और हट के ऊपर हुआ करता था। इसने चराई टैक्स ले लिया जो कि जो मिल्च एनिमल्स हुआ करते थे जैसे कि गाय भैंस, उनके चराई पे भी टैक्स इसने लेना शुरू कर दिया। रामचंद्र देव जो कि रूलर था देवगिरी का, उसको हराया मलिक काफूर ने। इसका दास था और रखेल भी मानते हैं कि ये रखेल था अलाउद्दीन खिलजी का। टाइटल ऑफ राय रियान इसने दिया मलिक काफूर को। मलिक मोहम्मद जायसी जो था इसी के समय था और इसने पद्मावत को कंपोजिशन किया था। पद्मावत एक बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ना कभी। जौहर आफ्टर डेथ, उसमें पद्मिनी, डेथ ऑफ द किंग पद्मिनी, पद्मिनी ने जौहर, पद्मावत जो थी वह पद्मिनी भी बोलते हैं, जौहर कर लिया था, डेथ कर लिया था। आपने देखा होगा, पद्मावत मूवी भी देखी होगी, तो इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर रिलीजन, ये स्टेट का मतलब जो भी इसका शासन था, मतलब इसका शासन रिलीजन के ऊपर जो है कंट्रोल करता था ये। ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमा, उलेमाओं से जो है इसने अपने आप को निकाल दिया बिल्कुल, बोला कि मैं उलेमा के अंदर नहीं हूँ अब। एंड टाइटल इसने सिकंदर सानी की लगाई, खुद को सिकंदर सानी की टाइटल रखता था ये। जफर खान जो था इसका फेमस कमांडर था, और ये जो है जफर खान इसका फेमस कमांडर, इसका डेथ हो गया था वाइल फाइटिंग द मंगोल्स। दीवाने मुश्ताक राज का इस्टेब्लिशमेंट भी इसी ने किया था। दीवाने अरीज तो पता ही आपको, मिलिट्री वाला, वो बलबन ने किया था, बट दीवाने मुश्ताक राज इसका इस्टेब्लिशमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू इस्टेब्लिश द ए पावरफुल डेस्पोटिक स्टेट, एक पावरफुल डेस्पोटिक स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट करना इसका मोटो था। इसके अलावा देखेंगे कुछ और भी। इसने जो है लैंड टैक्स शुरू किया, लैंड टैक्स आफ्टर मीटरिंग द लैंड, मतलब लैंड की माप करने के बाद जो है इसने लैंड टैक्स लेना शुरू किया। लैंड टैक्स जो था जनरली 50% ऑफ द यील्ड हुआ करता था, जिसे खराज भी बोलते हैं। ही वॉज फर्स्ट टू डिसाइड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल इनकम फ्रॉम द लैंड। इंडिया का पहला मुस्लिम रूलर था जिसने ऐसा किया। मलिक काफूर इसका ऑब्वियसली मैंने बताया, इसका स्लेव था। फाउंड ड्यूरिंग द गुजरात विक्ट्री ऑफ अलाउद्दीन, गुजरात विक्ट्री जो है मलिक काफूर ने दिलवाई थी। अदर नेम जो था ये हजार दिनारी भी था इसका दूसरा नाम। ठीक है, सो अलाउद्दीन खिलजी के 4 डिक्रीज जो है वो देख लेते हैं। पहला जो है इसका बैन किया था इसने फीस्ट पे, मैरिज रिलेशन पे एमंग सरदार्स एंड अमीर्स, इस पे बैन लगा दिया था। दूसरा इसका क्या था, दूसरा था इसका सॉरी फोर्थ में हमने देखा, पहला देखो, पहला है ही रिकवर्ड बैक द लैंड ग्रांटेड एज पेंशन डोनेशन और कंसर्न पीपल, ये तो हमने देखा ही था। एंड ही ऑल्सो गेव ऑर्डर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू रिकवर मैक्सिमम टैक्स फ्रॉम ऑल पीपल। सेकेंड क्या था इसका, फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इसका एक अचीवमेंट माना जाता है। तीसरा था प्रोहिबिशन ऑन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल बैन करवा दिया था, कैनाबिस वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह तक भी इसने बैन करवा दिया था।
चौथा इसका बैन करवाया था इसने ऑन फीस्ट, जैसे मेला जो होता है, मैरिज रिलेशंस अमंग सरदार्स एंड अमीर्स, आपस में शादी करते थे, वो भी बैन करवा दिया था। तो अलाउद्दीन के चार डिक्रीज हैं, ठीक है। इसके बाद जानेंगे हम मुबारक खिलजी के बारे में, चूँकि 1316 से लेकर 1320 तक गद्दी पर बैठा रहा। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ खलीफ, खुद को खलीफा घोषित कर दिया इसने। इसने टाइटल लिया अल इमाम का, उल इमाम का और खिलाफत उल लाह का इसने जो है टाइटल लिया। नसरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में जानेंगे। स्लोगन गिवन बाई ओपोनेंट्स, इस्लाम इन डेंजर। इसके ओपोनेंट ने जब ये गद्दी पर बैठा तो बोला कि इस्लाम अब डेंजर में है, और ये भी बोला इन्होंने कि ये इनेमी है इस्लाम का। ही कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम, ये हिंदू से मुस्लिम बना था। एंड ये इसका शासन जो था ये 15 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल 1320 तक था, बहुत छोटे समय तक ये था। और ये खतबा जो है पढ़वाता था खुद के नाम का। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में छोटी सी जानकारी थी। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306 AD वाज रबी रिवर। रबी रिवर हुआ करता था दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच में एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी 1306 AD के आसपास में रबी रिवर जो है बाउंड्री हुआ करती थी। जलालुद्दीन खिलजी एंड हिज कोरोनेशन डन इन द इनकम्प्लीट किलो खरी, दैट इज किलू घरी पैलेस। ये पूरा अभी बना भी नहीं था, उसी में किया गया था। द बिल्डर ऑफ द पैलेस ऑफ किलो खरी या फिर किलू गढ़ जो बोलते हैं, ये था कैकूबाद था, ठीक है। इन हिज इंक्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉस्क ऑफ गढ़ मुक्तेश्वर ही कॉल्ड हिमसेल्फ द खलीफ असिस्टेंट, आंसर इज बलबन। लीडर ऑफ ओनली रिबेलियन इन बंगाल इन द पीरियड ऑफ बलबन, तुगरील खान का रिबेलियन हो गया था जिसको दबाने के लिए बलबन को खुद जाना पड़ा था। ये तुगरील खान जो था सूबेदार था बंगाल का, ठीक है। तो बलबन के समय हुआ था तुगरील खान का रिबेलियन। अलाउद्दीन फेमस जनरल जफर खान डायड फाइटिंग द मंगोल्स। द लव अफेयर ऑफ सुलेमान एंड क्वीन साइबा इज मैंसन्ड इन हिज टेक्स्ट, अमीर खुसरो ने इसको मैंसन किया था। सुल्तान हु फिक्स द लैंड टैक्स अप टू 50% ऑफ द प्रोडक्शन वाज अलाउद्दीन खिलजी, एंड मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम आता है, दोनों ने ऐसे 50% किया था। गोल गुंबज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोल गुंबज वाज द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। मैं तो यहाँ पे गया भी हूँ, इनका काफ़ी अच्छा वहाँ पे कलेक्शन भी है। मोहम्मद आदिल शाह का टॉम्ब था ये। वन ऑफ द लार्जेस्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये इंडिया की। वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम्स इन द वर्ल्ड है ये। एंड आउटर पार्ट जो है इस लाइक ए कप की तरह ये बना हुआ है इसका, ठीक है। कभी जाना देखना, बहुत सुंदर है। तुगलक डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। तो खिलजी डायनेस्टी के बाद जो दिल्ली सल्तनत में बैठी थी वो तुगलक डायनेस्टी थी। इसका फाउंडर था ग्यासुद्दीन तुगलक। एंड इसके बारे में अगर इंट्रोड्यूस करें इसको तो ही वाज अ फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ऑब्वियसली अलाउद्दीन का ये कमांडर हुआ करता था। ग्यासुद्दीन तुगलक जो था या फिर गाजी मलिक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये अलाउद्दीन का कमांडर था। इसकी मदर हिंदू जाट थी और फादर जो था करोना तुर्क था। बलबन का सर्वेंट था ये, ठीक है। तो हिंदू जाट इसकी मदर थी और फादर इसका करोना तुर्क था। ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर, दैट इज अलाउद्दीन के समय में ये दीपालपुर का गवर्नर था। मिलिट्री वर्क इसने क्या किया, ही बैनिस्ड द मंगोल्स फ्रॉम इंडिया। एंड टाइटल इसने मलिक उल गाजी लगाया अपना। ही स्नैच्ड दिल्ली फ्रॉम खुसरो शाह से इसने दिल्ली को छीना। एंड ही बिकेम सुल्तान इन 1320 AD। अदर नेम इसका गाजी बेग तुगलक या फिर गाजी तुगलक भी इसको कहा जाता है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इसका था 1/5 से लेकर 1/3 पार्ट यील्ड का ये लेता था। इसके समय एक फेमीन हुआ, लैंड टैक्स वेवर किया उसमें इसने। ही ग्रांटेड टैक्स फ्री जागीर टू गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्टर्स इंस्टीड ऑफ शेयर। इसने बोला कि शेयर नहीं देंगे, तुमको जागीर दे देते हैं, मतलब कुछ लैंड दे देना और, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ नस्क और बटाई जो है प्रोपोगेशन इसी ने किया था। इब्न बतूता एक अफ्रीकन जो कि मोरक्कन ओरिजिन का था, ये ट्रैवल किया था इंडिया में और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। ही अपॉइंटेड एज अ काजी ऑफ सुल्तान का काजी भी अपॉइंट किया गया। बाद में इसको पनिश भी किया सुल्तान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, नाराज हो गया था इसके अगेंस्ट में। ही सेंट टू चाइना एज एम्बेसडर बाय सुल्तान, इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने
इब्न बतूता को चाइना भी भेजा। ही कंपोज किताबुल रिहाला, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, किताबुल रिहाला जो है इसने इब्न बतूता ने लिखी थी। डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें मिलता है पोस्टल सिस्टम ऑफ द सल्तनत पीरियड के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा डिटेल में। पहला इसमें कि इस्टेब्लिशमेंट कराया था इसने दीवाने अमीर कोही की, ये क्या था, ये एक नया डिपार्टमेंट था फॉर एडवांसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। इसका एक मेजर वर्क है डायरेक्ट असिस्टेंस इसने दिया था एग्रीकल्चर में, एंड दैट वाज सब्जेक्टेड मोर एंड मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर। फिर आता है इसमें ये फर्स्ट सुल्तान था जिसने पार्टिसिपेट किया हिंदू फेस्टिवल होली में, एंड ही ऑल्सो अपॉइंटेड नॉन तुर्क्स एंड इंडियन मुस्लिम्स ऑन गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक है, नॉन तुर्क और इंडियन मुस्लिम को भी गवर्नमेंट पोस्ट देने वाला ये पहला शासक था, एंड इसके वजह से इसका बिटर क्रिटिक हुआ। बदायूनी स्टेटमेंट के हिसाब से द सुल्तान वॉज फ्रीड फ्राम हिज पीपुल एंड दे फ्राम देर सुल्तान ऑन डेथ ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक पे बदायूनी ने बोला था कि सुल्तान वॉज फ्रीड फ्राम द हिज पीपल एंड दे फ्राम देयर सुल्तान। मोस्ट एजुकेटेड था ये अमंग ऑल द सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था ये। एंड वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन, इसके जो कॉइन थे ना उस पर क्या लिखा गया था, क्या इंस्क्राइब किया गया था, उस पर इंस्क्राइब किया गया था अल सुल्तान जिले अल्लाह, सुल्तान इन शैडो ऑफ गॉड, जिसका मीनिंग होता है। एंड ही वॉज ऑल्सो गॉड इन सपोर्ट ऑफ सुल्तान, इसका मतलब ये है कि ये जो है अपने क्वाइंस पे ये लिखता था कि गॉड जो है मेरे सपोर्ट में है। गोल्ड क्वाइंस इसने जो इशू किया उसका नाम था दिनार अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। इसके 5 मेन स्कीम्स हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू बरानी, एंड टैक्स इंक्रीज़ किया था इसने दुआब रीजन में, देवगिरी को अपना नया कैपिटल बनाया था महाराष्ट्र वाले देवगिरी को। ही स्टार्टेड द टोकन करेंसी जो कि फ्लॉप हो गई थी बिल्कुल। ही ऑल्सो अटैक्ड ऑन द खुरासन पे अटैक किया था, एंड काराचिल कैंपेन भी इसने किया था। इसके 5 मेन स्कीम थे जिसके वजह से काफ़ी फेमस हुआ था। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो था इसने एक नया डिपार्टमेंट बनवाया था जिसका नाम था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। इसमें ये क्या करता था, जितने भी संस्कृत टेक्स्ट थे उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाता था। इसका एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी था, एन ऑफिस फॉर अपॉइंटमेंट के लिए इसने एक बनवाया था एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, एंड फुल इंक्वायरी ऑफ एबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन, ये चेक करके ही किसी को जॉब देता था, अपॉइंटमेंट कराता था। एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल इसका टारगेट था। दरुल सफ़ा क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खैराती फ्री हॉस्पिटल, ये इसकी अचीवमेंट है फिरोज शाह तुगलक की। दरुल सफ़ा क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खैराती या फिर फ्री हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं, इसका अचीवमेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड हकीम, इसने इंश्योर किया था कि दरुल सफ़ा में जो हकीम होंगे वो काफ़ी स्किल्ड होंगे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इसने शुरू करवाया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ 300 न्यू सिटीज इसने करवाए थे। मेजर सिटीज़ में आता है फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। अगेन मैं रिपीट करूँगा, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद इसके अचीवमेंट में आता है मेजर सिटीज़ में। बंगाल कंपेन इसने किया था जिसमें पांडुआ न्यू नेम फिरोजाबाद को दिया गया, पांडुआज न्यू नेम फिरोजाबाद को दिया गया, एंड पांडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रख दिया गया। एकदल्ला न्यू नेम आजादपुर का नया नाम, एकदल्ला का नया नाम आजादपुर रखा गया, तो ये नाम चेंज किया इसने। चीफ आर्किटेक्ट जो था मलिक गाजी साहना था इसका चीफ आर्किटेक्ट। इसने 5 बिग कनाल्स का भी कंस्ट्रक्शन कराया था, तो ये बहुत सारा इसका अचीवमेंट है। हके सरब क्या है, फर्स्ट सुल्तान था ये दिल्ली का जिसने इरिगेशन टैक्स लिया था, हके सरब इसी से रिलेटेड है। यील्ड बाई यूजिंग वाटर फ्रॉम रॉयल कैनाल, जो भी अगर कोई खेती करता था रॉयल कैनाल्स का वाटर यूज़ करके इरिगेशन करके जो उपज होता था उसका 1/10 पार्ट जो है ये इरिगेशन टैक्स के तौर पे ले लेता था। जजिया कर इसने ब्राह्मिन्स के ऊपर लगाए। 1200 नए फ्रूट गार्डन्स इसने दिल्ली में बनवाए। 2 नए पिलर अशोका
के जो थे वो ब्रॉड करके ये दिल्ली लेके आया, एक तो मेरठ से उठवाया और दूसरा टोपरा से, जो कि करेंटली अंबाला जिसे कहते हैं टोपरा। तो अशोका के दो पिलर को ये दिल्ली मंगवाया। दीवाने बंदगन एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसने बनवाया फॉर टेकिंग केयर ऑफ द स्लेव्स। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगन एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाया फॉर टेकिंग केयर ऑफ द स्लेव्स। फिर आता है दीवाने खैरात भी इसने इस्टेब्लिश किया पुअर मुस्लिम्स के लिए, ऑर्फन महिलाओं के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, विडोज़ के लिए अरेंजमेंट ऑफ मैरिज फॉर पुअर मुस्लिम गर्ल, ये सब के लिए दीवाने खैरात इसने शुरू किया था। ही हिज अचीवमेंट इज ऑल्सो टू द रिलेटेड रिलेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। बोला कि हज यात्री जो होंगे वो स्टेट के खर्चे से अपना हज की यात्रा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। नसीरुद्दीन महमूद, अब देखते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। एंड इसने ख्वाजा जहान एक इस्टेब्लिशमेंट किया था इसने इंडिपेंडेंट जौनपुर स्टेट का, इसके समय में ख्वाजा जहान के द्वारा हुआ था। सूबेदार जो था पंजाब का खिजर खान, वो इंडिपेंडेंट हो गया था इसके समय। खिजर खान सूबेदार था ये पंजाब का। और चैलेंजेस ऑफ नुसरत शाह भी इसके समय हुआ, तैमूर का आक्रमण हुआ इसके समय, तैमूर लंग जो था। सल्तनत ऑफ सहनशाह फ्रॉम दिल्ली टू पालम फेमस कोट, इसका जो सल्तनत था वो सिकुड़ के दिल्ली से लेकर पालम तक ही रह गया था। एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी हो गई इसके डेथ के बाद ही, तुगलक डायनेस्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई इसके बाद। फिर आता है कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। 1398 में एज ए रिजल्ट ऑफ तैमूर अटैक, तैमूर लंग जो था इसका अटैक दिल्ली पे हुआ, दिल्ली सल्तनत और तुगलक डायनेस्टी दोनों डिस्ट्रॉय हो गई। 1413 में दौलत खान सेलेक्टेड एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली बाई सरदार्स। इसके बाद खिजर खान ही डिफीटेड दौलत खान, दौलत खान को हरा दिया इसने और सुल्तान बन गया दिल्ली का। ही वॉज ऑल्सो ही अपॉइंटेड एज सूबेदार ऑफ लाहौर बाई तैमूर, ठीक है। ही एक्वायर्ड दिल्ली इन 1414 AD एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था खिजर खान। इसके बाद आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो है 1451 में इस्टेब्लिश की गई दिल्ली सल्तनत पे। इसका दूसरा नाम था बहलोल शाह गाजी, ठीक है, लोधी का दूसरा नाम था बहलोल शाह गाजी। जौनपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह हुआ लोधी डायनेस्टी के समय। बहलोल लोधी की ही बात कर रहे हैं हम लोग। बहलोल लोधी का दूसरा नाम था बहलोल शाह गाजी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर इसके समय जौनपुर था। ही अपॉइंटेड हिज थर्ड सन निजाम खान एज द सक्सेसर ऑफ बिफोर हिज डेथ, अपने डेथ से पहले ही अपने तीसरे सन को इसने अपना सक्सेसर घोषित किया। बहलोली क्वाइंस जो है काफ़ी फेमस हुए, मेन मोड ऑफ एक्सचेंज था ये नॉर्थ इंडिया में आफ्टर अकबर, ठीक है, बिफोर अकबर सॉरी। इसके बाद आता है हिंदू सरदार को रखा अपने कोर्ट में इसने, जैसे राय दादू को रखा इसने, राय करण सिंह को रखा, राय प्रताप सिंह को रखा, राय निरसिंह को रखा और राय त्रिलोक चंद्र को रखा। तो काफ़ी हिंदू सरदार को अपने कोर्ट में रखा था इसने। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी की बात करें तो निजाम खान सिकंदर शाह जो है, ठीक है, ही अब लोधी डायनेस्टी में अगला शासक यही बना था बहलोल लोधी के बाद, निजाम खान सिकंदर शाह। ही बिकेम सुल्तान ऑन 17 July 1489। ये एक ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है लोधी डायनेस्टी का। और 1504 AD में इसने आगरा शहर बसाया था सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ने आगरा शहर को 504 AD में बसाया और इसको अपना कैपिटल भी घोषित किया था। तो सिकंदर लोधी भी बोलते हैं इसको। तो कई बार पूछा गया कि आगरा सिटी को किसने बसाया था, तो कई लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर होगा सिकंदर शाह लोधी। स्टार्ट ऑफ गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी एक मेजरमेंट यूनिट था, इसी ने स्टार्ट किया था। फरहांग सिकंदरी आयुर्वेदिक लिटरेचर ट्रांसलेटेड टू पर्शियन, ठीक है, एक आयुर्वेदिक लिटरेचर को पर्शियन में ट्रांसलेट करके उसका नाम रख दिया गया फरहांग सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदर शाही बुक ऑफ म्यूजिकोलॉजी था ये।
फॉन्ड ऑफ सहनाई, सहनाई का फॉन्ड था ये. ही रोट पोएम बाई पेन नेम गुल रुखी. गुल रुखी जो है इसने पोएम लिखा अपने कलम से. बात करें इब्राहिम लोदी के बारे में तो सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पे बैठा है ये 1518 एडी में. वार ऑफ खतौली, खतौली की लड़ाई, इसके समय महाराणा सांगा के साथ लड़ाई लड़ी गई जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई. 21 अप्रैल 1526 को पहला बैटल हुआ पानीपत का जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की नींव रख दी. फरिश्ता स्टेटमेंट के हिसाब से इब्राहिम लोदी फॉट टिल हिज डेथ एंड डाइड लाइक ए सोल्जर. अकॉर्डिंग टू नियामतुल्ला नो अदर सुल्तान ऑफ इंडिया डाइड इन द बैटल ग्राउंड एक्सेप्ट सुल्तान इब्राहिम. तो इब्राहिम लोदी लड़ते लड़ते मरा था और काफ़ी लड़ाई लड़ी थी बट हार गया बेचारा बाबर से. चलिए सल्तनत पीरियड तो हमने कवर कर लिया, अब आता है विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर में अगर बोलें तो विजयनगर एम्पायर में कुल चार डायनेस्टी थी. संगम डायनेस्टी जिसका फाउंडर था हरिहर और बुक्का. फिर आता है सलुआ डायनेस्टी जिसका फाउंडर था नरसिंह सलू. फिर आता है तुलु डायनेस्टी जिसका फाउंडर था वीर नरसिंह. और लास्ट में आता है अरविदु डायनेस्टी जिसका फाउंडर था तिरुमल. तिरुमल संगम डायनेस्टी की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1336 एडी में हुआ था. इसका फाउंडर हरिहर एंड बुक्का थे. हरिहर बुक्का जो थे इनके बारे में बता दूँ तो दे एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर देयर डिफीट फ्रॉम मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक से हारने के बाद इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था बट दे रीज्वाइंड हिंदुइज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट विद्यारण्य. एजुकेशन इनका फ्रॉम गुरु विद्यारण्य से हुई हुआ था एंड फ्रॉम भास्कर सायन से भी इन्होंने एजुकेशन लिया था. हरिहर द्वितीय जो था ये जो था संगम डायनेस्टी का ही था. 1377 से 1404 के बीच में इसने रूल किया था. ये बुक्का का सन था, बुक्का का सन था ये. और इसने टाइटल लगाया था महाराजा धीराज का. इसने जीता था कनारा को, मैसूर को, तिरुचिरापल्ली को और कांची को इसने जीत लिया था. ही रिकवर्ड रेवेन्यू फ्रॉम द श्रीलंकन किंग. द बिगेस्ट सक्सेस इसका जो है ही ए स्नैच्ड बेलगाम एंड गोवा फ्रॉम बहमनी किंगडम. ये था वर्सीपर किसका, विरूपक्ष शिव का, शिव जी का ये वर्सीपर था. फिर इसके बाद आता है सलू डायनेस्टी. हमने संगम देख लिया, अब सलू डायनेस्टी की बारी है. इसका फाउंडर था नरसिंह सलुआ और ये 1485 से लेकर 1490 के बीच में इसने शासन किया था. ही रिमूव द लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी टू बिकम द किंग. इस्टेब्लिशमेंट इसने किया था सलुआ डायनेस्टी का. इमादी नरसिंह जो कि सन था नरसिंह सलुआ का वॉज रिमूव्ड बाई वीर नरसिंह. इस्टेब्लिशमेंट किया था इसने तुलु डायनेस्टी का, वीर नरसिंह ने. फिर आता है तुलु डायनेस्टी. तुलु डायनेस्टी का फाउंडर कौन हो गया, फिर फाउंडर तो वही हो गया वीर नरसिंह. इसका डेथ हो गया था 1509 में. इसका सक्सेसर था कृष्ण देवराय जो विजयनगर किंगडम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था. कृष्ण देव राय जो था 1509 से लेकर 1529 तक इसने शासन किया था. वार ऑफ गोलकोंडा हुआ था जिसमें इसने हराया था कुली कुतुब शाह को. वार ऑफ गोलकोंडा में इसने हराया था किसको, कुली कुतुब शाह को. इसका शासन जो था क्लासिकल एरा ऑफ लिटरेचर माना जाता है, गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर माना जाता है. प्रोटेक्शन टू तेलुगु एट ग्रेट स्कॉलर इसने और पोइट को प्रोटेक्शन दिया था जिसे हम बोलते हैं अष्ट दिग्गज. कृष्ण देव राय के बारे में और बात करें तो इसका जो शासनकाल था क्लासिकल एरा लिटरेचर के फील्ड में माना जाता है. इसको गार्जियन ऑफ अष्ट दिग्गज माना जाता है. ग्रेट पोएट और राइटर भी था ये. इसका टाइटल था आंध्रा भोज के नाम से भी इसको जानते हैं. इसका एक कंपोजिशन है अमुक्त मलयाद. अमुक्त मलयाद इसका कंपोजिशन है, तमिल लैंग्वेज में है ये. वार इसने जीता था कुली कुतुब शाह से, गोलकोंडा का शासक. इस्टेब्लिशमेंट किया था इसने नगलपुर सिटी का. फॉरेन ट्रैवलर इसके समय एक आया था, इसका नाम था दमिंगो पीस इसके समय में आया था जो कि एक फॉरेन ट्रैवलर था. टेंपल बिल्डिंग में भी इसका काफ़ी हाथ रहा. विठल स्वामी और हजारा टेंपल इसी ने बनवाया था. फिर आता है अरविदु डायनेस्टी. अरविदु डायनेस्टी बाई ऑस्टिंग, इस डायनेस्टी की नींव पड़ी बाई ऑस्टिंग सदाशिव राय जो कि तुलु डायनेस्टी का था, उसको हटा के ये डायनेस्टी बनी थी. इसका जो है
इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था तिरुमल ने 1570 में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट शासक था वेंकट द्वितीय, जो कि कंटेम्प्रोरी था राजा बोधियार के, और चंद्रागिरी जो था इसका हेडक्वार्टर था, चंद्रागिरी इसका हेडक्वार्टर था। शिस्त राय रेखा मेजर सोर्स ऑफ विजयनगर स्टेट इनकम था ये। अथावने या फिर अस्थावन सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोलते थे। हम्पी जो है एंशियंट कैपिटल हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर की, आज भी इसके जो है खंडहर आज भी मिलते हैं वहाँ पे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये हम्पी, और विरूपक्ष टेम्पल भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बैटल ऑफ तालीकोटा बहुत इम्पोर्टेंट बैटल हुआ एक, हुसैन निजाम शाह ने मार दिया था राम राय को, ठीक है। और 1565 में लड़ाई हुई थी यूनाइटेड फोर्सेस ऑफ बीजापुर अहमद शाह गोलकोंडा वर्सेस विजयनगर, सब यूनाइट हो गए थे बीजापुर ये सब मुस्लिम वाले, बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा बिदार ये पूरा मुस्लिम शासन था, और विजयनगर किंगडम के अगेंस्ट में एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी जिसमें विजयनगर एम्पायर का डिफीट हो गया था। और बियर नॉट इंक्लूडिंग इन यूनाइटेड आर्मी, बिरार नॉट इंक्लूडेड इन, बिरार जो था यूनाइटेड आर्मी में नहीं था। फरिश्ता जो था वार फॉट इन तालीकोटा, एक्चुअल एरिया जो था वो रक्षी तंगड़ी विलेज के बीच में हुआ था। कंटेम्प्रोरी विजयनगर रूलर उस समय सदाशिव राय था, रियल पावर लाइड इन द हैंड्स ऑफ राम राय, राम राय को मार दिया गया हुसैन निजाम शाह के द्वारा, और विजयनगर एम्पायर का वहाँ पे डिक्लाइन हो गया। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का पीरियड और वेरियस डायनेस्टीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी का जो पीरियड था वो 1206 से लेकर 1290 एडी तक था। खिलजी डायनेस्टी का पीरियड जो था वो 1290 से लेकर 1320 एडी था। तुगलक डायनेस्टी जिसका पीरियड था 1320 से लेकर 1412, और सैयद डायनेस्टी का पीरियड था 1414 से लेकर 1451। लोधी डायनेस्टी का पीरियड था 1451 से लेकर 1526। तो कई बार ये पूछता है कि सल्तनत पीरियड में सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी कौन थी, तो आंसर होगा तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 से लेकर 1492 तक रूल किया था, 12 तक, यानी कि 92 साल की रूलिंग थी इसकी। इसके अलावा अगर बात करें कि कौन से डायनेस्टी में क्या अचीवमेंट रहा, तो स्लेव डायनेस्टी में दीवान ए मुस्तखराज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। दीवान ए रियासत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये खिलजी डायनेस्टी में हुआ था। दीवान ए अमीर कोही का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तुगलक डायनेस्टी में, जो कि एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। और दीवान ए खैरात सैयद डायनेस्टी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, चैरिटी डिपार्टमेंट था ये। और दीवान ए बंदगन एक स्लेव डिपार्टमेंट था, दीवान ए बंदगन एक स्लेव डिपार्टमेंट था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने इसे इस्टेब्लिश कराया था। तो एक्चुअली ये जो मैंने बोला दीवान ए खैरात था सैयद डायनेस्टी में, एक्चुअली सैयद डायनेस्टी में नहीं हुआ था, इसको आप इससे कोरिलेट ना करें। ये जो है सैयद दीवान ए खैरात ये भी जो है डिपार्टमेंट ये तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था। तो बस आपको ये जानना था कि ये किस से रिलेटेड है, ठीक है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। तो लीडर ऑफ ए स्क्वाड ऑफ हॉर्समैन को क्या बोलते थे सल्तनत पीरियड में, लीडर ऑफ ए स्क्वाड ऑफ हॉर्समैन के को बोलते थे सल्तनत पीरियड में सिरखेल। 10 सिरखेल को एक सिपाह सलार रूल करता था, 10 सिरखेल के ऊपर एक सिपाह सलार होता था, और 10 सिपाह सलार के ऊपर एक आमिर होता था, और 10 आमिर के ऊपर एक मलिक होता था, और 10 मलिक के ऊपर एक खान होता था, और इन सब के ऊपर सुल्तान होता था, सबके ऊपर सुल्तान होता था। फिर टैक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो फिरोज तुगलक ने टैक्सेशन जो है अकॉर्डिंग टू कुरान बोला कि टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कुरान ही लेंगे। परमिशन ऑफ 4 टैक्सेस इसने दिया था, खराज, जीजिया, खूम्स और जकात, ठीक है। खराज, जीजिया जो है एक रिलीजियस टैक्स था,
सिकंदर लोदी ही डिड नॉट टुक पार्ट फ्रॉम द ब्यूरीड ट्रेजर्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस वॉज विलेज हाइएस्ट लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एट विलेज लेवल वॉज चौधरी। इसके बाद बात करें करेंसी ऑफ सल्तनत की, तो सल्तनत पीरियड में टंका हुआ करता था, टंका जो था सिल्वर करेंसी था और जीतल जो था वो कॉपर करेंसी था। रेशियो ऑफ टंका और जीतल की बात करें तो एक जो टंका होता था वो 48 जीतल के बराबर होता था, टंका ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अलाउद्दीन मसूद शाह का क्वाइन था फर्स्ट टू इंस्क्राइब द नेम ऑफ द लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद, खलीफा अल मुस्तासिम, ये अलाउद्दीन मसूद शाह के क्वाइन से हमें मिलता है। विजारत क्या था, विजारत इज़ द रिकॉग्निशन इन द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, द अब्बासी खलीफ टुक इंस्पिरेशन टू एडॉप्ट एज एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पर्शिया, फर्स्ट वजीर कौन था, अब्बास फजल बिन अहमद इन द रेन ऑफ महमूद गजनवी। प्राइम मिनिस्टर को वजीर बोलते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वजीर ही होता था और तुगलक पीरियड गोल्डन पीरियड माना जाता है सल्तनत पीरियड में, क्लाइमेक्स एट द टाइम ऑफ फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन वर्क में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कौवत अल इस्लाम दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही बनवाया था और कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार का स्टार्ट जो है इसी ने किया था एंड बट कंप्लीट किया इसे इल्तुतमिस ने, जो कि एक मामलुक शासक था, स्लेव डायनेस्टी का ही था। इल्तुतमिस की बात करें तो इल्तुतमिस ने सुल्तान गढ़ी बनवाया था, हौज ए शमसी बनवाया इसने, शमसी ईदगाह बनवाया और अतरकीन दरवाज़ा इसने बनवाया था, ये इल्तुतमिस का कंस्ट्रक्शन है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाई दरवाज़ा बनवाया था इसने और जमाते खाना मॉस्क बनवाया था, हजार सितोंस बनाया था इसने, हौज ए अलाई भी इसने बनवाया था। फिर मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो उखा मॉस्क इसने बनवाया था, उखा मॉस्क। बलबन की बात करें तो टॉम्ब ऑफ बलबन जो है ये बलबन ने ही बनवाया था और फर्स्ट टॉम्ब है बिल्ट इन द प्योर इस्लामिक स्टाइल। फिर कुतुब मीनार की बात करें सो द कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इट वॉज स्टार्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक बट कम्प्लीटेड बाई इल्तुतमिस। इसका जो फोर्थ फ्लोर था वो डैमेज्ड हो गया था तो इसको जो है इन प्लेस ऑफ फोर्थ फ्लोर कंस्ट्रक्शन ऑफ टू मोर फ्लोर्स फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिर वेन्यू आर्किटेक्चर की बात करें तो गुलबर्ग जो है जामा मस्जिद है वहाँ पे, दिल्ली में कौवत अल इस्लाम है, मालवा में जहाज महल है और जौनपुर में अताला मॉस्क है। आर्किटेक्चर स्टाइल और रिलेटेड डायनेस्टी की बात करें तो सरकी स्टाइल जो है ये ह्यूज इंट्रेंस डोर पे होता है विथ आर्क होते हैं इस पे। खिलजी स्टाइल में क्या था, फ्रिल्स ऑफ लोटस फ्लावर बर्ड्स ऑन लोअर साइड्स ऑफ द आर्क्स बनाए गए थे। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर में जो है यूज ऑफ बोदेगोई इन पिलर बनाया गया था, तुगलक में ऑक्टागोनल टॉम्ब्स बनाए गए थे, ऑक्टागोनल मतलब आठ तरफ से टॉम्ब्स बनाए गए थे, ऑक्टागोनल टॉम्ब्स। सल्तनत पीरियड से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स अगर बात करें तो मास्टरपीस ऑफ द ऑथर की बात करें, ऑथर और उनके मास्टरपीस की, तो जवामियुल हिकायत जो था ये सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी ने इसको लिखा था और हकीक ए हिंदी ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा था इसको, किताब कंज अल तुजर फी मरियत अल अजहर ये लिखा था बैलक अल किबल जाकी ने और ताहदीब अल अखलाक की बात करें तो इब्न मिसका वैया ने इसको लिखा था। फिर अगर बात करें डिपार्टमेंट और वर्क की तो दीवाने खराज क्या था, दीवाने अर्ज जो था एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, दीवाने रिसालत जो था एक रिलीजियस इशू से रिलेटेड या फिर फॉरेन अफेयर्स कह सकते से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट था, दीवाने वजारत जो था ये फाइनेंशियल इशू या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को डील करता था, दीवाने इंसा जो था ये गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड था दीवाने इंसा। फिर अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में लिटरेचर की तो अमीर खुसरो का नाम जो है पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, इसका पूरा नाम था, बर्थ इसका हुआ था 1253 AD में पटियाली कासगंज में, तूतीय हिंद इसको सेल्फ गिवन टाइटल इसने खुद ही लगाया था तूतीय हिंद।
कंपोजिशन था इसका किरण उस सदियान, तारीख़ दिल्ली, मिफ्ताह उल फुतुह, खजैन उल फुतुह, असीका, नूह सिपिहोर और तुगलक नामा जो है इसने लिखा था। ही वॉज द इनिशिएटर ऑफ कव्वाली म्यूजिक स्टाइल। ही वॉज द ऑल्सो फाउंडर ऑफ द पर्शियन पोएटिक स्टाइल सबके हिदी। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम क्लेमिंग टू बी इंडियन एंड हिज प्रोपोगेशन ऑफ तबला वॉज वेरी फेमस। फिर आता है अब कुछ और जो फेमस कंपोजिशन है और उसके ऑथर को देखते हैं। तो एक तरफ कंपोजिशन है, दूसरी तरफ उसका ऑथर है। तबकाते नसीरी ये लिखा था मिनहाज उल उस सिराज ने, वेरी इंपॉर्टेंट। तारीख़ फिरोजशाही ये लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने, शम्स ए सिराज अफीफ, तीनों दोनों ने मिलकर लिखा था। तुजुल मसीर ये लिखा था हसन निजामी ने। तारीख़ मुबारक शाही ये लिखा था यहिया बिन अहमद ने। फुतुह उस सलातीन ये लिखा था अब्दुल्ला मलिक इसामी ने। संगीत राज और संगीत मीमांसा ये दोनों लिखा था राणा कुंभा ने। संगीत राज और संगीत मीमांसा दोनों लिखा था राणा कुंभा ने। फुतुहत ए फिरोज शाही ये लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। अब हम देखेंगे प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन, प्रोविंशियल डायनेस्टी। तो जौनपुर में फिरोज तुगलक जो था ये फाउंडर था फिरोज शाह तुगलक जौनपुर सिटी का। ही बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान अदर नेम था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जौना खान भी था, तो उसी के याद में लिखा गया था। फिर आता है मलिक सरवर, ही वॉज स्लेव ऑफ मोहम्मद शाह द्वितीय। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सरकी स्टेट इसने किया था। टाइटल दिया गया था सुल्तान के द्वारा मलिक उस सरक या फिर ख्वाजा ए जहां, इसको मलिक सरवर को टाइटल दिया गया था। फिर आता है इब्राहिम शाह सरकी, ये जौनपुर का ही शासक था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सरकी रूलर एंड ही राइज ऑफ द सरकी स्टाइल, राइज ऑफ सरकी स्टाइल इसके इसी के समय हुआ था। जौनपुर जो है इसको सिराज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी डिफीटेड द लास्ट सरकी रूलर हुसैन शाह एंड मेड जौनपुर ए पार्ट ऑफ द सल्तनत अगेन। तो ये जौनपुर की थोड़ी बहुत कहानी। फिर कश्मीर आता है, कश्मीर का शासक एक बहुत इंपॉर्टेंट था जैनुद अबिदीन, इसका दूसरा नाम था शाही खान। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कश्मीर। कंपेरिजन विथ मुगल एम्पेरर अकबर से इसका कंपेरिजन होता है जैनुद अबिदीन का। बिकॉज ऑफ रिलीजियस जेनरोसिटी काउस लॉटर को इसने बैन किया था, इसलिए भी ये फेमस है, और जीजिया टैक्स को रिमूव किया था, इसलिए भी इसको इसका कंपेरिजन जो है अकबर से किया जाता है। ही गॉट ट्रांसलेटेड महाभारत एंड राज तरंगनी इन पर्सियन, पर्सियन में इसने ट्रांसलेशन करवाया था। इसने जैना लंका आइलैंड एट बुलर लेक इसने क्रिएट करवाया था। अकबर ऑफ कश्मीर भी इसी को बोलते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, जैनुद्दीन अबिदीन को। फिर आता है गुजरात, गुजरात में है जफर खान। जफर खान बिकेम सुल्तान ऑफ गुजरात इन द नेम ऑफ सुल्तान मुजफ्फर शाह बाय डिफीटिंग द रूलर ऑफ मालवा हुसंग शाह को हरा के ये बना था। ही कैप्चर्ड कैपिटल धार एंड रिटर्न्ड लेटर। फिर आता है गुजरात में फतेह खान, इसका टाइटल था अबुल फतेह महमूद शाह, इसका फेमस नाम था महमूद बेगादा। मेन विक्ट्री थी इसकी चैम्पेनर और गिरनार की, इसकी विक्ट्री मेन विक्ट्री थी। फिर आता है स्टेट विच गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम बहमनी किंगडम, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। चलिए अब देखते हैं स्टेट्स विच गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम बहमनी किंगडम, एक एक करके देख लेंगे इसको। पहला इसमें बिरार, बिरार का फाउंडर था फतेहुल्ला इमाद शाह, और ये डायनेस्टी जो थी इमाद शाही डायनेस्टी कहलाई, ठीक है, इमाद शाही डायनेस्टी। और ये कहाँ से, बहमनी किंगडम से अलग हुई थी। फिर हुआ बिदार, बिदार को अलग किया, फाउंडर था इसका अमीर अली बरीद, इस डायनेस्टी को बरीद शाही डायनेस्टी भी कहा गया। फिर आता है बीजापुर, बीजापुर अलग हुआ बहमनी किंगडम से, और इसका फाउंडर था यूसुफ आदिल शाह, और इस डायनेस्टी को कहा गया आदिल शाही। फिर हुआ गोलकोंडा, गोलकोंडा का फाउंडर था कुली कुतुब शाह, और इस डायनेस्टी को कहा गया कुतुब शाही डायनेस्टी। और लास्ट में अहमदनगर आपको दिख रहा है, इसका फाउंडर था मलिक अहमद, और इस डायनेस्टी का जो नाम रखा गया, इस डायनेस्टी को बोला गया निजाम शाही डायनेस्टी। फिर अब देखेंगे हम बहमनी को थोड़ा डिटेल में। बहमनी का
बहमनी जो किंगडम था इसका फाउंडर था जफर खान, जो कि 1347 से लेकर 1358 एडी के बीच में इसने रूल किया। इसने टाइटल रखा था अपना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ बहमनी एम्पायर और गुलबर्गा इसकी कैपिटल थी। अहमद अहसानाबाद इसका नया नाम रखा गया गुलबर्गा का, एहसानाबाद। फिर आता है टू रूल द एम्पायर इट वॉज डिवाइडेड इन टू प्रोविंसेस। बहमनी किंगडम को प्रोविंसेस में बांटा गया था जिसमें गुलबर्गा था। चार साइड से इसको बांट दिया गया, एक तरफ गुलबर्गा, दूसरी तरफ दौलताबाद, तीसरी तरफ बिदार और चौथे तरफ बरार था। फिर आता है बीजापुर। बीजापुर का शासक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसका टाइटल था जगत गुरु और इसे लोगों ने टाइटल दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कई बार कि जगत गुरु टाइटल किसे दिया गया था, तो आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसका दूसरा नाम था अबला बाबा, अबला बाबा या फिर फ्रेंड ऑफ पुअर भी इसको बोलते थे। इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था किताबे नौरस। किताबे नौरस का ये ऑथर था और इसने नौरासपुर सिटी का इस्टेब्लिशमेंट भी किया था। कुछ मिसलेनियस फैक्ट देखेंगे, आर्किटेक्चर और उससे उस समय के रूलर। तो तुगलकाबाद जो बना था वो ग्यासुद्दीन तुगलक के रूल में बना था। मोठ मस्जिद जो था वो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। कीर्ति पिलर जो था ये राणा कुंभा ने बनवाया था। फिर आएगा भक्ति और सूफी मूवमेंट, तो ओरिजिनेटर और दूसरे तरफ डॉक्ट्रिन और सेक्ट की देखेंगे। तो शंकराचार्य को माना जाता है कि अद्वैतवाद के ये ओरिजिनेटर थे, और वही अगर बात करें विशिष्ट अद्वैत की तो इसके ओरिजिनेटर थे रामानुजाचार्य। फिर द्वैतवाद के माधवचार्य और द्वैतवाद ये द्वैत अद्वैतवाद के थे निम्बरकाचार्य। फिर आता है शुद्ध द्वैत या फिर पुष्टि मार्ग इसके थे वल्लभाचार्य। फिर आता है शंकरदेव थे एक शरण सेक्ट के ओरिजिनेटर या फिर फाउंडर। भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ द्रविड एरिया में। सबसे पहले द्रविड एरिया में भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ। हेराल्ड विद द राइज ऑफ शंकराचार्य इन द 8th सेंचुरी हेराल्ड शुरू हुआ। स्प्रेड की बात करें तो ये साउथ इंडिया में फैला। वैष्णव जो भक्त थे, सेंट थे, उनको अलवर कहा जाता था और शैव के जो सेंट थे उनको नयानर कहा जाता था। फिर से बता रहा हूँ, ये पूछा जाता है कई बार। वैष्णव जो सेंट थे उनको अलवर कहा गया और शिव के जो सेंट थे वो उन्हें नयानर कहा गया। री इनकारनेशन हुआ इसका 15th और 16th सेंचुरी में, ठीक है। पहले तो ये 8th सेंचुरी में फाउंडेशन हुआ, फिर इसका री इनकारनेशन हुआ 15th और 16th सेंचुरी में। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे रामानंद के बारे में। तो रामानंद वॉज द फर्स्ट प्रोमोटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया एंड इनका जन्म 1299 एडी में प्रयाग में हुआ था। बिलीव्ड इन सगुन ब्रह्मा में ये बिलीव करते थे। सगुन और निर्गुण दो फॉर्म होता है भक्ति का। सगुन में क्या है कि आप भक्ति के लिए किसी प्रतिमा लेते हो, कोई मूर्ति बनाते हो। निर्गुण क्या है, कोई भी फॉर्म नहीं होता है उसमें। तो ही डिसिमिनेशन ऑफ मैसेजेस इन हिंदी लैंग्वेज हुआ इनके समय, और ये कबीर जो थे इनके वन ऑफ द डिसाइपल थे। कबीर इनके डिसाइपल थे, ठीक है। इनके टोटल 12 डिसाइपल में से एक कबीर थे। फिर आता है कबीर। अपराइजिंग इनका हुआ बाई इनका जो ये माना जाता है कि जुलहा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और ये कपलेट गाते थे। नीरू नीमा बीजक इनका एक कंपाइलेशन है, जो कबीर के टीचिंग के कंपाइलेशन है उसको बीजक कहते हैं। इनका कंपोजिशन है सखी सबद और रमैनी, और अमर मूल जो है कंपाइलेशन ऑफ कबीर डायलॉग्स है विथ धर्मदास के साथ जो कंपाइलेशन है, जो डायलॉग्स हुए हैं कबीर के, वो अमर मूल में संग्रहित किए गए हैं। कबीर हो गए। अब हम जानेंगे 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें सबसे पहले आता है बैद्यनाथ, फिर महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जिसे कहते हैं, फिर केदारनाथ है, रामेश्वरम है, नागेश्वर है, सोमनाथ है 12 ज्योतिर्लिंगा में, फिर है भीमशंकर, फिर है घृष्णेश्वर, फिर है त्रिंबकेश्वर, ठीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगा है।
गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 एडी में तालवंडी, जो कि ननकाना साहिब तालवंडी में ही बन चुका है, पाकिस्तान में पड़ता है। इनका देहांत हो गया था 1539 एडी में, 70 साल जिए थे ये। स्पेशल फैक्ट की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ सिखिज़म का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकंदर लोधी, एंड इनका जो बिलीफ था वो मोनोथेइज़म में था, ठीक है, एकेश्वरवाद में। वर्शिपर थे ये निर्गुण ब्रह्मा के, निर्गुण ब्रह्मा के वर्शिपर थे। गुरु का लंगर जो है ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट अप फ्री कम्युनिटी किचन, गुरु लंगर जो है मास फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इसमें विदाउट पेइंग हीड टू कास्ट रिलीजन। कोई भी कास्ट आ जाए, कोई भी रिलीजन आ जाए, सबको लंगर में खाना मिलता है। स्टेटमेंट है, गॉड ओनली नोज द क्वालिटी ऑफ पर्सन बट ही डज नॉट आस्क अबाउट कास्ट एज देर इज नो कास्ट इन द अदर वर्ल्ड। ठीक है, महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस नाम आता है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, नामदेव। ही वॉज पॉपुलराइज बाई द भक्ति मूवमेंट। विठोबा खेचर गुरु ऑफ नामदेव थे, विठोबा खेचर जो थे गुरु थे नामदेव के, एंड रिलेटेड टू वर्कारी सेक्ट से ये बिलोंग करते थे। एंड विठोबा जो खेचर थे, विठोबा खेचर और खेचरनाथ, द इनिशिएशन ऑफ मिस्टिक लाइफ जो है इन्होंने शुरू किया था ऑफ द नामदेव। ज्ञानदेव जो थे इंट्रोडक्शन किया था इन्होंने गॉड्स यूबिक्यूटस फॉर्म का। सम लिरिकल वर्सेस हैं कंपाइल्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। फिर आता है सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट जो है इसमें एक है चिश्तिया सूफिज़म, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था चिश्त अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में पड़ता है चिश्त, अबू इसाक समी चिश्ती के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। साथ में इनके ख्वाजा अबू अहमद अब्दुल भी थे, इनके डिसाइपल, दोनों को माना जाता है जॉइंटली फाउंडर ऑफ द चिश्तिया सूफिज़म, अबू इसाक समी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दुल जो इसके डिसाइपल थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सूफिज़म में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं। इनका अराइवल हुआ था इंडिया में विद द आर्मी ऑफ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे ये। अजमेर में ये बस गए थे, रेसिडेंस इनका हो गया था, और आज भी मोइनुद्दीन चिश्ती जो है दरगाह जो है वो अजमेर में ही है। ये फर्स्ट सूफी सेंट माने जाते हैं इंडिया में, इनका डेथ हो गया था 1236 एडी में। गुरु जो थे इनके ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी थे, और इनके डिसाइपल थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे इनके डिसाइपल थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में बताऊं तो इन्हीं के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्टार्ट किया था बनाना। बाबा फरीद की बात करें तो ये पॉपुलराइज हुए चिश्ती सिलसिला के लिए, बलबन के सन इन लॉ थे ये, एंड हिज कंपोजिशंस वेयर कंपाइल्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। बाबा फरीद का जो कंपोजिशन है ना वो गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल किया गया है। फिर आता है बहुत बड़ा नाम निजामुद्दीन औलिया का, हज़रत निजामुद्दीन जो है वो दिल्ली में ही है इनका दरगाह। स्पिरिचुअल गुरु थे ये बाबा फरीद के, ठीक है, बाबा फरीद इनके स्पिरिचुअल गुरु थे सॉरी, और इनका डेथ हो गया था 1325 एडी में। इनका दरगाह है हज़रत निजामुद्दीन, ये दिल्ली में है। कंटेम्प्रोरी ऑफ मोर देन 7 सुल्तान के ये कंटेम्प्रोरी रह चुके हैं निजामुद्दीन औलिया। इनका दूसरा भी कुछ नाम है जैसे कि महबूब ए इलाही, सुल्तान अल औलिया, किंग ऑफ द सेंट, और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था अलाउद्दीन से मिलने के लिए, अलाउद्दीन से मिलना इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। फिर आता है शेख सलीम चिश्ती, इनको टाइटल दिया गया था शेख उल हिंद का। जहांगीर वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज ब्लेसिंग, माना जाता है ऐसा कि अकबर को जब जहांगीर हुए तो ये इन्हीं के शेख सलीम चिश्ती के ही ब्लेसिंग से हुए थे। फिर आता है कादरी ब्रांच, कादरी ब्रांच के फाउंडर थे शेख मुहिनुद्दीन कादरी जिलानी, बगदाद के रहने वाले थे। फर्स्ट प्रीचर इंडिया की बात करें तो कादरी ब्रांच के फर्स्ट टीचर इंडिया में शाह निमातुल्लाह मखदूम जिलानी थे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नक्शबंदी सिलसिला, फाउंडेशन इन नक्शबंदी सिलसिला का फाउंडेशन 14th सेंचुरी में पड़ा था, और इसके फाउंडर जो थे उनका नाम था ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा बाकी बिल्ला जो थे ये चीफ प्रोमोटर थे नक्शबंदी सिलसिला के इंडिया में। शेख अहमद सरहिंदी जो थे बाकी बिल्ला डिसाइपल के डिसाइपल थे।
और प्रोपोगेशन हुआ वजहत उल सहूद का, सहूद मुजाहिद का, रिफॉर्मर ऑफ इस्लाम इनको माना जाता है। अपोजिशन किया इन्होंने म्यूजिक का, और अपोज टू द लिबरल पॉलिसीज ऑफ अकबर, अकबर के लिबरल पॉलिसी को भी नस्कबंदी सिलसिला ने अपोज किया। फेमस फॉलोअर औरंगजेब था इसका, नस्कबंदी सिलसिला का फेमस फॉलोअर था औरंगजेब, और आपने सुना भी होगा कि औरंगजेब ने म्यूजिक वगैरह ये सब बैन करवा दिया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट कुछ और देख लेते हैं। सूफी सेंट शाह महमूद घोष एक्सेप्टेड कृष्णा एज औलिया। नेम ऑफ द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सूफी सेंट्स को खनका बोलते हैं, जहाँ पे वो रहते थे उसको खनका बोला जाता है। नेम ऑफ सूफी म्यूजिक फेस्टिवल को सामा बोला जाता है। द स्कॉलर ऑफ रिलीजियस लॉ ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड उलेमा। प्रेम वाटिका पोएट्री वॉज कम्पोज बाई रक्षण, रक्षण के द्वारा ये किया गया था। पद्मावत अखरावत एंड आखिरी कलम वॉज कम्पोजिशन ऑफ मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसीदास दास वॉज कंटेम्प्रोरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर। हैज़ बीन कॉल्ड द डैश हैज़ बीन कॉल्ड द सदी ऑफ इंडिया। आंसर इज आमिर हसन। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन बेथलेहम इन प्रोविंस ऑफ जुदिया, बेथलेहम जुदिया। फिर आता है सल्तनत पीरियड के मिसलेनियस कुछ फैक्ट। स्टेट और रूलर देखेंगे, तो स्टेट की बात करें रणथंभौर की, तो वहाँ का रूलर थे हमीर देव। गुजरात के थे कर्ण देव, और चित्तौड़ के थे राणा रतन सिंह, चित्तौड़ के थे राणा रतन सिंह। देवगिरी के थे राजा राम चंद्र देव, राजा रामचंद्र देव देवगिरी के थे। फिर आता है फेरिस्ता, फुल नेम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। कोर्ट स्कॉलर थे मुर्तजा निजाम शाह, रूलर ऑफ अहमदनगर फॉर सम टाइम। तारीख़ फरिश्ता बुक जो था इट वाज डेडिकेटेड टू इब्राहिम आदिल शाह द रूलर ऑफ बीजापुर। तहकीके हिंद इसके राइटर थे अल बरूनी, ये अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ एडवर्ड सतची के द्वारा। फिर हिंदी ट्रांसलेशन हुआ रजनीकांत शर्मा के द्वारा। कीर्ति स्तब्ध ये बिल्ड किया गया था राणा कुंभा के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ मालवा जीतने के बाद, और कंस्ट्रक्टेड किया था इसको जैता ने, और कमेंडेशन दिया गया था अत्रियन महेश को, अत्रियन महेश को कमेंडेशन दिया गया था। फिर आता है प्रिंसिपालिटी रूलर, एक तरफ प्रिंसिपालिटी और दूसरी तरफ रूलर। वीर पांड्या मदुरा का रूलर था, वीर बल्लाल होयसाला का रूलर था, देवगिरी का शंकर देव, और वारंगल का प्रताप रुद्र देव द्वितीय। फिर वार और ईयर तालीकोटा की लड़ाई वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, 1565 एडी में हुआ था ये। वार ऑफ चंदावर ये हुआ था 1194 में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। वार ऑफ घाघरा 1529 में हुआ था। अटैक ऑफ तैमूर 1398 में हुआ था इंडिया पे। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। करेंट नेम ऑफ होयसाला डायनेस्टी कैपिटल इज हालेबिदू विच इज़ लोकेटेड इन हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। मोस्ट फेमस टेम्पल एमंग हालेबिदू टेम्पल इज एंशियंट टेम्पल ऑफ होयसलेश्वर। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेनकसव टेम्पल लोकेटेड इन बेलूर विच इज़ ऑफ होयसाला पीरियड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई विष्णुवर्धन रूलर ऑफ होयसाला। ठीक है, कुछ और देख लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और उसके इनिशिएटर देखेंगे, तो दीवाने मुस्तखराज क्या था, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था जिसको शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। दीवाने मुस्तखराज एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था जिसे स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने रियासत एक मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही इसका इनिशिएटर था। फिर आता है दीवाने अमीर कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ने, चैरिटी डिपार्टमेंट था ये। और दीवाने बंदागन भी फिरोज तुगलक ने शुरू किया था, ये एक स्लेव डिपार्टमेंट था। टाइटल गिवन टू फेमस पोएट फिरदौसी स्कॉलर ऑफ कोर्ट ऑफ मोहम्मद गजनवी, इसको दिया गया था होमर ऑफ ईस्ट। अदर नेम ऑफ फरिश्ता बुक तारीख़ फरिश्ता, इसको
गुलशन ए इब्राहिमी के नाम से भी जाना जाता है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम सबमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफिसर बाई इक्तादार ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड वाज कॉल्ड फवाजील और फाजिल।